हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है। देखिए, इसके टू साइड से इसमें स्पंज लगी हुई है और सेंटर में ऐसी नेट से दी हुई है, लेकिन ये नेट इतनी कमज़ोर नहीं है कि ये फट जाए। तो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है डोर फिलर या गैप फिलर आप इसको बोल सकते हो। अगर आपके डोर के नीचे कोई भी गैप है, थोड़ा सा, छोटा सा या ज़्यादा गैप है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको ऐसे नीचे स्लाइड करके डालना है। हमारे गैप इसमें इतना ज़्यादा गैप था कि मुझे आइडिया लगा के इसमें कार्डबोर्ड फिक्स करना पड़ा, और अब जाके ये थोड़ा सा ना स्टेबल हुआ है, ये आ ही नहीं रहा था इसमें। तो अगर आप जैसे ये देखो, अब नीचे से कोई भी गैप नहीं दिख रहा है, जितना है उसको उतना लगा के आपको ये कट कर देना है, ठीक है, ऐसे स्लाइड में लगा के। और यहाँ तक हमारा डोर है, तो हम इसको एक्स्ट्रा को काट देंगे, आसानी से कट जाएगा क्योंकि इसमें स्पॉन्ज लगी हुई है। क्या होता है, जब भी बारिश होती थी तो इतना मेस जो था वो हमारे अंदर आ जाता था, लेकिन इसको लगाने के बाद एक भी बूंद जो है वो हमारी बारिश के अंदर नहीं आती है। इसका प्राइस 200 के अराउंड था। अगर आपको अच्छा लगे प्रोडक्ट तो आप लिंक में जाके इसका कोड चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।